रीवा जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां लोकायुक्त ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां के पटवारी को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पटवारी ने नक्शा तरमीम कराने के लिए रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने इस मामले में जाल बिछाया और पटवारी को रिश्वत लेते ट्रेप कर लिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। 2500 की रिश्वत लेते पटवारी को थर दबोचा है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश गया है। लोकायुक्त ने आरोपी पटवारी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल बैकुंठपुर में पदस्थ पटवारी ने 2500 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और उसे लोकायुक्त ने रंगे हाथों धर दबोचा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। 2500 की रिश्वत लेते पटवारी को धर दबोचा है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश गया है। लोकायुक्त ने आरोपी पटवारी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।